मामला उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के कोतवाली क्षेत्र सोरो का है, जहां सोरो थाना को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और 15,000 के इनामी बदमाश पप्पू गाजी को मुठभेड़ के दौरान जिंदा पकड़ने में सफलता हासिल की है। ये मुठभेड़ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास हुई, जहां मुठभेड़ के दौरान पप्पू गाजी के बाई टांग में गोली लग गई। वहीं कासगंज जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पप्पू गाजी को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है पप्पू गाजी कासगंज और पड़ोसी जनपद बदायूं के अलावा कई जिलों में दर्जनों आपराधिक मुकदमे वांछित हैं। पुलिस की माने तो मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करने गई पुलिस पर बदमाश ने अपने ऑटोमेटिक रिवॉल्वर से अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दोनों ओर से हुई फायरिंग के दौरान कुख्यात बदमाश पप्पू गाजी को बाई टांग में गोली भी लगी। कुख्यात बदमाश लंबे समय से लोगों के बीच दहशत का पर्याय बना हुआ था। वहीं सोरो थाना पुलिस की इस बड़ी कामयाबी को योगी सरकार की अपराध मुक्त प्रदेश की मुहिम को सफल बनाने में बड़ा कदम माना जा रहा है।